गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इंग्लिश पेडागोजी के इस सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का टॉपिक कवर करेंगे। क्या होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे एजुकेशन को, हमारे टीचिंग को बेस्ट बनाता है। टीचर अक्सर स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए TLM का प्रयोग करते हैं। ठीक है, Why do we need teaching learning material? देखिए, आप सहायक शिक्षक वर्ग 3 का जो सिलेबस है उसमें आप इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस को देखते हुए चलेगा, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, ये आपका दिया हुआ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसे आप देखते हुए चलेंगे। सिलेबस को आप जितना बेहतर देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी। तो why do we need teaching learning material? क्यों हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत होती है? तो देखिए, सबसे पहली चीज कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या करता है, दे सप्लीमेंट ओरल टीचिंग। ये क्या करता है, बच्चों में ओरली टीचिंग को बेहतर बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है ये, दूसरा दे प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। देखिए, जो TLM होता है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसे हम एक आप वर्ड सुने होंगे, फील्ड वर्क या क्षेत्रीय भ्रमण भी कह सकते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण में क्या करते हैं स्टूडेंट्स को, उन्हें हम किसी फील्ड में ले जाते हैं और डायरेक्टली चीजों को क्या करते हैं, दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें किसी बच्चे में पौधे की क्या करनी है, अवधारणा को स्पष्ट करना है। ठीक है, ये कोई प्लांट है, अगर हम बच्चे को प्लांट के बारे में बताना चाहते हैं तो हम थ्योरी में ना बताकर, बुक्स में ना बताकर उन्हें क्या करें, प्रैक्टिकल, ठीक है, लाइव उन्हें ले जाएं, उन्हें चीजों को क्या करें, दिखाएं। ठीक है, जब बच्चा चीजों को जितना बेहतर तरीके से देखेगा, छुएगा, उसका जो टीचिंग होगा वो उतना ही बेहतर होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक पौधा है, अगर हमें बच्चों को एक प्लांट के ग्रोथ के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, कि एक प्लांट कैसे ग्रो करता है, उसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को पौधा दे सकते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट्स को एक एक पौधा दे सकते हैं, उन्हें हम ग्राउंड ले जा सकते हैं और उन्हें पौधों की देखभाल करने को कह सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक बेहतर टीचिंग लर्निंग है। ठीक है, एक बेहतर टीचिंग मटेरियल कह सकते हैं, इसमें बच्चा चीजों को वास्तविक रूप से सीखता है, समझता है। तो ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराता है, कौन, हमारा TLM। ठीक है, दूसरा है दे एक्ट एस अ मोटिवेटर। ठीक है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, एक मोटिवेटर भी बनाता है। देखिए, एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपने टीचिंग स्टाइल को कितना बेहतर बना सकता है, और टीचिंग स्टाइल उसका तब बेहतर होगा जब उसका TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका डिसाइड करता है। तो ये TLM क्या करता है, ये स्टूडेंट को एक बेहतर मोटिवेटर बनाता है। ठीक है, दे प्रिवेंट मोनोटोनी एंड क्रिएट क्या करता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, और क्या करता है, ये जो बच्चे उब जाते हैं ना किताब पढ़ पढ़ के, हम क्या करते हैं, अगर हम बच्चों को पुरानी पद्धति से पढ़ाते हैं तो बच्चे थोड़ा उब जाते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को चीजों को जितना ज्यादा क्या करें, उन्हें लाइव पढ़ाएं, मतलब प्रैक्टिकल करके पढ़ाएं। ठीक है, जितना ज्यादा बच्चे चीजों को देखेंगे उतना ही ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बेहतर होगी। तो क्या होगा, ये क्रिएट इंटरेस्ट, ये हमारे इंटरेस्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, कौन, TLM। ठीक है, आप एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जब आप शायद मैं दोबारा ही बात कह रही हूं पर जरूरी है, अगर आप डीएड बीएड की ट्रेनिंग कर रहे थे तो आप देखे होंगे कि आप लोग बेहतर से बेहतर TLM बनाते थे। आपका जो मॉडल जाता है, प्रतियोगिता होता है, उसमें TLM का भी प्रतियोगिता होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, TLM होते हैं। तो वो TLM क्या होता है, बच्चों के लिए होता है कि हम कितना बेहतर TLM का प्रयोग कर सकते हैं, कितना अच्छा हम मटेरियल का यूज कर सकते हैं जिससे टीचिंग क्या हो, आपका अच्छा हो। ठीक है, तो ये होती है, जब हम BA/DED की ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें प्रॉपर हमें क्या दिया जाता है, गाइडेंस किया जाता है कि आप जब भी स्कूल जाए, जब भी आप क्लास ले, तो TLM का प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि TLM से बच्चा पढ़ाई को बोझ नहीं समझेगा, उसे वो क्या करेगा, जिज्ञासा जैसे लगेगी, वो डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दे प्रिवेंट इनडिसिप्लिन। ठीक है, क्या करता है ये, डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता से हमें दूर करता है, कौन, TLM। देखिए,
टीएलएम भी हमें क्या करता है, अगर हम बच्चों को एक व्यवस्थित ढंग से टीएलएम के माध्यम से उन्हें चीजें सिखाएं तो बच्चा क्या करता है, बच्चों में डिसिप्लिन की क्या होती है, भावना आती है। ठीक है, तो टीएलएम क्या करता है, इन डिसिप्लिन को खत्म करता है। ठीक है, आप इस बच्चे को देख सकते हैं कि आप योगा मेडिटेशन ये भी क्यों है, एक टीएलएम का प्रकार है कि बच्चा क्या होगा, मेडिटेशन करेगा, योगा करेगा, तो वो मेंटली उतना ही स्ट्रांग होगा, फिजिकली भी उतना ही स्ट्रांग होगा, तो उसका जो टीचिंग होगा वो उतना ही बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी होगी और वो क्या होगा, सक्सेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पास अगर बच्चों में डिसिप्लिन लाना है तो ये भी आपका जरूरी है, अगर आप बच्चे को प्रॉपर एक्सरसाइज और क्या करा रहे हैं, योगा वगैरह करा रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका टीचिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो टीएलएम क्या करता है, बच्चों में अनुशासनहीनता को खत्म करता है। ठीक है, इनडिसिप्लिन को खत्म करता है। दे मेक लर्निंग परमानेंट। ठीक है, क्या करता है, बच्चे को बोला जाता है, देखिए अगर कोई बच्चा ना, जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे जबरदस्ती पढ़ाएं या डांटें या उसे क्या करें, मेंटली एक वर्ड होता है ना टॉर्चर टाइप से, पहले की जो पढ़ाई होती थी ना, अब आप एनसीएफ 2005 देखते होंगे, उसमें चीजें बदल गई हैं। ठीक है, और आपका जो नया एजुकेशन वो आया है, फ्रेम आया है, उसमें भी चीजों को क्या किया गया है, रटने की पद्धति से बिल्कुल दूर किया गया है। तो आपको अपना टीचिंग स्टाइल, अपना टीचिंग मेथड ऐसा रखना है कि आपका जो मेथड हो ना वो बच्चों को क्या करे, इंटरेस्टिंग करे। ठीक है, वो खुद बा खुद पढ़े, उनमें क्या करे, जो लर्निंग हो वो क्या हो, परमानेंट हो और कंटिन्यू हो, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा उतना ज्यादा उसका जो लर्निंग होगा वो परमानेंट और कंटिन्यू होगा, वो हमेशा क्या करेगा, चीजों को सीखने का प्रयास करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, सोलर सिस्टम पढ़ाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैक्सिमम टीचर क्या करेंगे, बुक के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि बुध होता है, शुक्र होता है, ठीक है, इस तरह की चीजें पढ़ाएंगे। लेकिन आप अगर बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर मॉडल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक इमेज देख लेते हैं हम, ये देखिए, अगर बच्चों को आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना है तो आप इस तरह का मॉडल, इस तरह का टीएलएम, ये क्या है, एक प्रकार का टीएलएम है, तो इससे बच्चा चीजों को क्या करेगा, देखेगा, अच्छा सेंटर में ये होता है, हमारा सन होता है, फिर वो ढूंढेगा हमारा अर्थ कहाँ पर है, ठीक है, हमारा ये सनी है यहाँ पर, तो वो ग्रहों को क्या करेगा, स्पष्ट देखेगा, अच्छा ये स्टार है और सैटेलाइट है, वो चीजों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो वो उसे क्या लगेगी, पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तो टीएलएम क्या करता है, हमारे बोझ को कम करता है, हमारे इन द सेंस स्टूडेंट्स के बोझ को क्या करता है, कम करता है टीएलएम। तो ये एक प्रकार का क्या है, टीएलएम है। इतना ही नहीं, अगर आपको मैंने एक चीज बताई कि अगर आपको बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है तो आप उन्हें बुक से पढ़ाने की जगह क्या करें, किसी मैदान में ले जाएं, ठीक है, ग्राउंड या किसी गार्डन में ले जाएं, उन्हें एक पौधा दे दे प्रत्येक बच्चे को और उन्हें लगाना सिखाएं। बच्चा क्या करेगा, उस पौधों की देखभाल करेगा, वो देखेगा, अच्छा ये रूट होता है, अच्छा ये लीफ होती है, अच्छा इसमें वाटर इतना डलता है, इसमें सन का क्या काम है, ठीक है, और इन्वायरमेंट कितना अच्छा होना चाहिए। तो बच्चा इसे क्या करेगा, फील करेगा कि अच्छा ऐसा होता है। लेकिन हम अगर बच्चों को हम पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, उसे उबाऊ लगेगा। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अगर अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, बेस्ट बनाना है, और आप चाहते हैं कि बच्चा चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करे, सीखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट टीएलएम का उपयोग करना है। ठीक है, तो आप पढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों का यूज करते हैं ना, वो सब आपका क्या होगा, टीएलएम होगा। ठीक है, हर टीएलएम का पर्पस अलग होता है, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे, उस वर्क पे, कि कौन सा टीएलएम कब यूज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो दे मेक लर्निंग परमानेंट। ठीक है, आपका टीएलएम जितना अच्छा होगा, बच्चा लर्निंग को क्या करेगा, उतना ही कंटिन्यू करेगा, हमेशा सीखने का प्रयास करेगा और उसका लर्निंग हमेशा परमानेंट बना रहेगा। ठीक है, क्रिएटिविटी आएगी उसमें, वो सोचेगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस तरह की बातें इसमें आएगी, अगर ये ऐसा होता है तो ऐसे क्यों नहीं होता, तो बच्चा क्या हो रहा है, इसमें क्रिएटिविटी आ रही है। ठीक है, साथ ही डिस्कवर कर रहा है बच्चा, तो ये होता है टीएलएम का इंपॉर्टेंस। तो बच्चा टीएलएम को क्या करता है, समझता है कि हाँ इस तरह का करते हैं, जो डीएड बीएड ट्रेनिंग की है ना, वो टीएलएम को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा उस पर फोकस किया जाता था कि आप टीएलएम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। ठीक है,
दे सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर. बिल्कुल, देखिए टीचर अगर सिर्फ क्या कर रहा है, बोल रहा है, मौखिक रूप से बोल रहा है, ओरल उसमें बोल रहा है, तो बच्चा क्या है, बच्चे की भी एक कैपेसिटी होती है, टीचर की भी एक कैपेसिटी होती है. बच्चा एक लिमिट टाइम तक ही चीजों को सुन सकता है और टीचर भी बोल सकता है. मतलब अगर टीचर बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है और दोनों में वो नॉलेज का जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है ना, तो ये एनर्जी और टाइम क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है. तो हमें क्या करना है, TLM का प्रयोग करना है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना है. टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या करेगा, जो बोरियत है, ठीक है, और जो बच्चों में जो सीखने की जो स्पीड होती है उसको भी क्या करता है, डेवलप करता है आपका क्या, TLM. तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस कि दे सेव टाइम एंड एनर्जी. तो TLM क्या करता है ना, आपका जो काम बहुत देर में होना रहता है, जो बच्चे की स्पीड होती है सीखने को, उसको क्या करता है, दुगना कर देता है. तो TLM हमारे टाइम को सेव करता है और एनर्जी को भी सेव करता है, ठीक है. जैसे यहाँ पर एक टीचर है, ये क्या कर रही है, बच्चों से वार्तालाप कर रही है, बातचीत कर रही है, गतिविधियां भी कर रही हैं. तो ये क्या कर रही है, एक प्रकार का TLM का यूज कर रही है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गतिविधि हो रहा है. यहाँ सभी बच्चे क्या है, एकदम अलर्ट है, ठीक है, इस तरह की चीजें. टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है. चलिए हमने अभी तक देखा कि TLM क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप सभी समझ गए होंगे. देखिए सिंपली अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात की जाए, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जहां पर हम टीचिंग के लिए यूज करते हैं. हम टीचिंग के लिए जिन भी मटेरियल का यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, TLM होता है. बुक्स भी आपका TLM है, ब्लैक बोर्ड भी आपका TLM है, डस्टर आपका, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, इवन आप भी एक TLM हो, ठीक है, और आप जो भी चीजें प्रयोग कर रहे हैं आप टीचिंग में, मैं भी यहाँ पर अभी क्या हूँ, TLM हूँ. यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को बोर्ड के द्वारा, एक डिजिटल बोर्ड के द्वारा, स्ट्रक्चर्स के द्वारा, इमेज के द्वारा क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ. तो ये क्या है, एक TLM ही तो है. तो ठीक है, TLM आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ TLM, ठीक है, कि TLM के प्रकार क्या होते हैं. अब देखिए यहाँ पर पहला TLM है आपका, पहला TLM क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स, ठीक है, ये आपका पहला TLM है. इसमें क्या होता है, ये पुरानी पद्धति से जो चली आ रही है ना मटेरियल, टीचिंग मटेरियल वही है जो पुरानी पद्धति से, जैसे आपका चौक, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, बुक्स, ये क्या है, ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यूअस चल ही रहा है. तो ये क्या है आपका, एक प्रकार का TLM है, ठीक है. दूसरा है विजुअल एड्स, ऐसा एड्स जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को आंख से देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं. जैसे अभी मैं जो आप लोगों को टीचिंग करा रही हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका, विजुअल एड्स है, ठीक है. दूसरा है ऑडियो एड्स, आप जो मुझे सुन पा रहे हैं, जब टीचर बोलता है कोई बात और बच्चा सुन पा रहा है, वो आपका क्या आएगा, ऑडियो एड्स में आएगा, ठीक है. साथ में रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, ईयरफोन, ये सब क्या है, ऑडियो एड्स तो है. आपको कोई भी चीजें सर्च करनी है तो आप क्या करते हैं, कान में हेडफोन लगाकर यूट्यूब से सुनते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप जो भी चीजें करते हैं ऑडियो के माध्यम से कर रहे हैं. तो ये क्या है आपका, एक प्रकार का TLM है, ठीक है. ऑडियो विजुअल एड्स, टेलीविजन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. क्यों, क्योंकि टेलीविजन में आप साउंड्स को सुनते भी हैं और आंख से स्क्रीन को देखते भी हैं, ठीक है. यहां पर अभी मैं क्या हूं, कौन सा TLM हूं मैं, यहां पर मैं ऑडियो विजुअल एड्स हूं, ठीक है, ऑडियो विजुअल मटेरियल हूं, क्योंकि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और आप मुझे देख भी पा रहे हैं, ठीक है. चौथा है आपका टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक आपका क्या आता है, आपके ट्रेडिशनल टीचिंग एड में आता है, ठीक है. इसके अलावा आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी है, ठीक है. लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होता है कि बच्चा भाषा प्रयोगशाला में क्या करता है, या तो हेडफोन के माध्यम से चीजों को सुनेगा, ठीक है, वो याद करेगा, याद करेगा इन द सेंस रटना नहीं है, याद करेगा मतलब वो चीजों को क्या करेगा, बोलना चाहिए एक रिकॉल करेगा, ठीक है. वो जितना ज्यादा, हम बोलते हैं ना कि आपकी इंद्रियां जितना ज्यादा एक्टिव होंगी आप चीजों को उतना बेहतर तरीके से समझेंगे. तो वहां पर वो सुनने का जो काम है ना बहुत एक्टिव है. तो बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिव होकर अपनी लैंग्वेज को सीख रहा है, ठीक है. तो ये सब भी क्या है आपके, डिजिटल लर्निंग मटेरियल है, ठीक है. एक एक से हम समझने का प्रयास करेंगे. देखिए आपका पहला है ट्रेडिशनल टीचिंग
एड्स। मैंने आपको बताया कि ये परंपरागत रूप से चला आ रहा क्या है, एक प्रकार का आपका मटेरियल है, ठीक है, या टीचिंग मटेरियल है कह सकते हैं। द ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड्स, पोस्टर्स, ग्लोब्स, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक। ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है। आप हमेशा देखते होंगे, आप बचपन में ब्लैक बोर्ड यूज करते थे, ग्लोब यूज करते थे, ठीक है, बुक्स भी यूज करते थे, आपका चार्ट पेपर होता था, इवन न्यूज़पेपर भी। आपको कोई भी जानकारी इकट्ठी करनी है, पहले में क्या होता था, हमें किसी भी देश के बारे में, राज्य के बारे में, किसी जगह के बारे में जानना हो, किसी क्षेत्र के बारे में, ठीक है, प्लेस के बारे में, तो हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू ही जान पाते थे। मतलब अभी भी आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारी घटनाएं किससे पता चल रही हैं, आपको न्यूज़पेपर से पता चल रहा है। तो न्यूज़पेपर क्या है, परंपरागत रूप से चला आ रहा एक प्रकार का टीचिंग मटेरियल है। किताब भी वही है, परंपरागत रूप से चला आ रहा है, ग्लोब भी वही है, ब्लैक बोर्ड भी वही है, चार्ट भी वही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजुअल एड्स, ठीक है। विजुअल एड्स आर आइटम्स ऑफ विजुअल मैनर सच एज ग्रेट ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, ठीक है, वीडियो क्लिप्स। इट्स यूज इन एडिशन टू स्पोकन इंफॉर्मेशन, ठीक है। विजुअल एड्स आर चूजन डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, ठीक है, आपका पर्पस ही डिपेंड करेगा कि आप कौन से विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे। ये सब वही बातें कर रहे हैं। कॉमन टेक्नोलॉजीज यूज टू शेयर विजुअल एड्स इंक्लूड प्रोजेक्टर्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में क्या होता है, आप PPT के थ्रू, आप यूनिवर्सिटीज में देखते होंगे या कॉलेज में, आप क्या करते हैं, प्रोजेक्टर में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का विजुअल एड्स है, ठीक है। और वाइट बोर्ड्स, यहाँ पर आप डिजिटल जो बोर्ड होता है ना, वो भी एक प्रकार का आपका विजुअल एड्स होता है, ठीक है। विजुअल एड्स का मतलब जिन्हें आप आंख से देख सकते हैं सिंपली, यहाँ पर सिर्फ आपको देखने से, अगर आप जिन चीजों को भी देख पा रहे हैं ना, जिन भी मटेरियल, वो मटेरियल जो आपके टीचिंग में यूज हो रहा है, तो अगर आप उन्हें आंख से देख पा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, विजुअल एड्स हो जाएगा, ठीक है। विजुअल एड्स में क्या इंक्लूड होता है, तो विजुअल एड्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स, इमेज, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, विजुअल एड्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स, इमेज, डायग्राम्स, डाटाग्राफ्स, चार्ट सच एस पाई चार्ट एंड मूविंग इमेज सच एस वीडियोस, जिन्हें आप आंख से देख पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपके आपके विजुअल एड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग मटेरियल है वो हम देखेंगे, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, विजुअल एड्स का, ठीक है। ये क्या, कौन सा TLM है, इसे आप आंख से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका विजुअल एड में आएगा। ये भी क्या है, आपका एक चार्ट है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं अपनी, अगर किसी बच्चे जानना हो आपको, ठीक है, पर्सनल क्या है, ये नरेटिव है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग क्या कर रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं, इसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। बुक्स अगर आप ओपन करते हैं, बुक्स में क्या क्या चीजें लिखी हैं, आप उसे देख पा रहे हैं। अगर आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना, ये एकदम बेस्ट TLM है कह सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, अगर आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लैंड एनिमल और वाटर एनिमल, तो आप लैंड एनिमल और वाटर एनिमल में क्या करेंगे, डिफरेंस दिखाने के लिए आप इसका TLM का प्रयोग कर सकते हैं। कैसा TLM, अब आप देखिए, एक तरफ इन्होंने क्या कर दिया है, लैंड एनिमल को रख दिया है, ठीक है, जिसे बच्चा देख पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये विजुअल एड का एग्जांपल है। दूसरा क्या कर रहा है कि वाटर एनिमल को एक और रख दिया, तो बच्चा स्पष्ट रूप से देख पा रहा है कि ठीक है, यहाँ पर जो लॉयन है वो लैंड एनिमल है, ठीक है, यहाँ पर जो फिश है वो वाटर एनिमल है। तो बच्चा समझ गया कि ऐसे एनिमल्स जो आपके लैंड में रहते हैं, ठीक है, जमीन में रहते हैं, वो आपके लैंड एनिमल होंगे, और वाटर एनिमल जो आपके वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, चीजों को तुरंत समझाएगा, तुरंत समझ भी जाएगा और तुरंत समझाएगा भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक TLM का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा TLM है, ये भी हम क्या करते हैं, स्कूलों में प्रयोग करते हैं। अगर बच्चे को एप्पल पढ़ाना है, कैट पढ़ाना है, तो बच्चा क्या कर रहा है, डायग्राम के माध्यम से, इमेज के माध्यम से क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये क्या आपका विजुअल एड्स है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। विजुअल एड्स या विजुअल मटेरियल आपका क्या हो गया, एक प्रकार का
टीएलएम हो गया। ऐसा टीएलएम जिसमें बच्चा क्या करता है, टीचिंग करते वक्त चीजों को साक्षात रूप से देखता है। ठीक है, अच्छा और क्या है आपका विजुअल एड में, आपका ये मैप है। ठीक है, बच्चा हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकता है, कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी राज्य के बारे में बताना हो तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा स्टेट है, आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, फिर उड़ीसा है इधर, यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं, बच्चे को क्या कर सकते हैं, एक मैप के थ्रू उनके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टेट के बारे में बता सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं, साथ ही बे ऑफ बंगाल इसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं दिखाकर। ठीक है, अरेबियन सी बता सकते हैं, इसके आसपास कौन कौन से हमारी क्या है कंट्रियां हैं, पड़ोसी कंट्री जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रियां हैं वो आप बता सकते हैं। तो इस तरह का आप मैप का भी प्रयोग करके बच्चों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, हमारे भारत के बगल में कौन सा कंट्री है, तो बच्चा यहाँ पास देखेगा, अच्छा यहाँ पर जो ये वाला कंट्री है वो हमारा नेपाल है, नेपाल के ऊपर चीन है, ठीक है यहाँ पास पाकिस्तान है। तो बच्चा अगर उस प्लेस में पहुंच भी नहीं पा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मैप के थ्रू उसे ये जनरल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, और आप भी देखते होंगे कि आप जब पढ़ाई करते हैं, अगर आपको वर्ल्ड के बारे में जानना हो तो आप क्या करते हैं, मैप के थ्रू ही जानने का प्रयास करते हैं कि और भी जो कंट्रियां हैं वो कहाँ है, उनकी कंडीशन कैसी है, उनका लोकेशन क्या है। तो आप किसके थ्रू सीखते हैं, आप मैप के थ्रू। तो ये क्या है, एक प्रकार का आपका टीएलएम है। ठीक है, ये भी क्या है, इसे बच्चा देखता है, ये टेलीविजन पिक्चर्स जो होते हैं ना, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है। न्यूज़पेपर भी, न्यूज़पेपर में क्या करता है बच्चा, पढ़ता है चीजों को, देखता है आंख से। तो ये क्या है आपका, एक विजुअल मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मटेरियल अर्थात ऐसा मटेरियल जिसमें हम चीजों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, ये टीचिंग को बेस्ट बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। कैसे, देखिए अभी जो आप लोग टीचिंग कर रहे हैं वो आपका क्या है, ऑडियो विजुअल है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, देखिए ऑडियो विजुअल एड्स क्या इंपॉर्टेंस है उसका, तो ऑडियो विजुअल एड्स गिव अ कंप्लीट लर्निंग एटमोस्फेयर फॉर स्टूडेंट्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या करते हैं, बच्चों को एक कंप्लीट इन्वायरमेंट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। किस चीज के लिए, तो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, स्टडी के लिए, टीचिंग के लिए, कौन आपका ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, तो ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ना कि बच्चा क्या करता है, कम समय में अधिक से अधिक क्या करता है, चीजों को सीखता है, नॉलेज गेन करता है। ठीक है, इट लेट्स देम एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ द क्लासरूम। देखिए आपका ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका क्या है, ऑडियो विजुअल क्लासरूम है। इसमें क्या किया जा रहा है, बच्चे को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को विजुअलाइज कर रहा है और साथ ही सुन रहा है। तो ये बच्चों को क्या करता है, कंप्लीट इन्वायरमेंट देता है जिसमें बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है, सीखता है। ठीक है, और क्या करता है, इसकी जो लर्निंग होती है ना वो रियलिस्टिक होती है। ठीक है, और लाइवली होती है, किसकी, आपके ऑडियो विजुअल की। ऑडियो विजुअल एड्स आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स विथ देयर एजुकेशन। बिल्कुल, ऑडियो विजुअल एड्स का काम बहुत अच्छा है, क्या करते है, ये एजुकेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ग्राफिकल और पिक्चर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट क्या क्या होंगे, मतलब आपके ऑडियो विजुअल में क्या क्या आएगा, आपका ध्यान दीजिएगा, आपका ग्राफिकल और पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा, फ्लो चार्ट होगा। ठीक है, डायग्राम्स होंगे, इस तरह की चीजें किसमें आपको देखने को मिलेगी, इस तरह की चीजें आपको ऑडियो विजुअल में देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या है, फॉर टीचिंग ओवरहेड प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड बाय टीचर टू फीचर्स शॉर्ट मोशन पिक्चर्स। तो टीचर क्या करते हैं, इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को और उनका जो स्पीड है
किस चीज का स्पीड, लर्निंग का स्पीड, उसको बेहतर करने के लिए। TLM का तो काम ही है कि आपके वो एजुकेशन को क्या करे, बेहतर से बेहतर बना सके और स्टूडेंट्स में जो सीखने की कैपेसिटी है उसको भी क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है, इंक्रीज कर सके। इधर ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑडियो एड अ टैप रिकॉर्डर और रेडियो अलाउज स्टूडेंट टू एक्सपेंड देयर क्रिएटिव साइड, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, बच्चों में क्रिएटिव साइड को क्या करते हैं, क्रिएटिव जो आपका कहना चाहिए, जो बच्चों में क्रिएटिविटी आती है ना, तो उस साइड को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, कौन, TLM। इट हेल्प्स इन ऑर्डिनरी लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, ठीक है, तो आपके जो सुनने की जो सीखने की जो क्षमता होती है ना, सीखना सुनना, इसको क्या करता है, वो इंप्रूव करता है, उसमें मदद करता है, ठीक है। सुनकर चीजें हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो ये TLM क्या करता है, ऑडियो विजुअल TLM इसी में हेल्प करता है आपका, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, इट हेल्प्स इन ऑडिटरी लर्निंग, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है आपके ऑडियो विजुअल क्लासरूम का, यहां पर आप बच्चा क्या कर रहा है, सुन भी रहा है और आंख से देख भी रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, रेडियो, टेलीविजन, क्यों, टेलीविजन को आंख से देख रहा है, सुन भी रहा है, रेडियो उसके सामने और वो चीजों को सुन रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, प्रोजेक्टर है, फिल्म प्रोजेक्टर है, फिल्म प्रोजेक्टर के थ्रू भी बच्चा क्या करता है, बहुत सारी चीजों, आप देखिएगा बच्चा क्या करता है, नकल करता है, तो किसके थ्रू, आप देखते होंगे बच्चा जो भी टीवी में ना कार्टून वगैरह देखता है, मूवी देखता है, तो उससे क्या करता है बच्चा, नकल करना सीखता है, ठीक है। चौथा है आपका टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक तो बात ही अलग है, टेक्स्ट बुक कभी आपका जो बुक्स है ना वो ट्रेडिशनल भी है, आपके फ्यूचर के लिए भी है और आपके प्रेजेंट के लिए भी है, टेक्स्ट बुक हमेशा से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा है, हमारे एजुकेशन के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टीचिंग मटेरियल यूज्ड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के लिए यूज नहीं करता है ये, सभी जितने भी सब्जेक्ट के टीचर है ना उन सभी के लिए क्या है, उपयोगी है, ठीक है, किस चीज के लिए, लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, कौन, आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक इज द एरिया इन विच द लैंग्वेज मटेरियल इज प्रेजेंटेड एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो जो हमारे टेक्स्ट बुक का जो एरिया होता है ना, हम एक सीमित नहीं मान सकते हैं, इसका एरिया बहुत ज्यादा क्या होता है, विस्तृत होता है, व्यापक होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के थ्रू ही हम चीजों को क्या करते हैं, समझते आए हैं और समझ भी रहे हैं। इसके क्राइटेरिया अलग होते हैं, ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, अगर ये ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आप पॉलिटी में जियोग्राफी नहीं पढ़ सकते, मतलब पॉलिटी में आप जियोग्राफी का बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। द डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, आपका टेक्स्ट बुक जितना बेहतर होगा आपका सिलेक्शन भी क्या होगा, उतना ही बेहतर होगा। देखिए यहां पर सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना गुड बुक का, वो आप पर ही, आपकी क्राइटेरिया पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए ये भाषा प्रयोगशाला, देखिए भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है कि ये क्या करता है, इट इज अ प्लेस वेयर द लर्नर्स लिसन ऑन हेडफोन, देखिए भाषा प्रयोगशाला में क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट है कोई, ये क्या कर रहा है, कान में हेडफोन को लगाया हुआ है और चीजों को लिसन कर रहा है, ठीक है, सुन रहा है, तो भाषा प्रयोगशाला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए भाषा प्रयोगशाला में ना सिर्फ ये हेडफोन ही नहीं, बल्कि आप जब टेलीविजन में आप टीवी वगैरह देखते हैं ना, टेलीविजन टीवी एक ही है, जब आप टीवी देखते हैं तो क्या करते हैं, आप चीजों को सुनते हैं, गौर से समझते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर, चीजों को साक्षात क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आपका क्या, ये लैंग्वेज प्रयोगशाला है, ठीक है। और क्या होता है, और आप डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ रहे हैं,
ये सब क्या है, आपकी लैंग्वेज प्रयोगशाला है। आप देख रहे हैं जहां पर भी प्रयोग कर रहे हैं ना आप एक तरह का, वहां पर क्या होगा आपका, लैंग्वेज प्रयोगशाला होगा, ठीक है, या भाषा प्रयोगशाला। और क्या करता है लैंग्वेज आपका भाषा प्रयोगशाला, और क्या मदद करता है? देखिए हिंदी और इंग्लिश में ना लगभग चीजें सेम रहेंगी, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, तो आपको चीजें रटना नहीं है। पेडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चीजों को रट नहीं सकते, ठीक है। आप जितना ज्यादा चीजों को समझेंगे उतना ही बेहतर आपका पेडागॉजी होगा। तो आप क्या करें पता है, चीजों को बहुत अच्छे से समझे। CDP चाइल्ड डेवलप पेडागॉजी में आप क्या करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, आप उसको रट नहीं सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश पेडागॉजी हो, हिंदी हो, एनवायरनमेंट हो, मैथ्स हो, कोई सा भी हो, ठीक है। और क्या हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स डेवलपिंग गुड स्पीच हैबिट, ठीक है। स्पीच हैबिट्स को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। बच्चा क्या करता है, बोलता है और खुद से सुनता भी है, ठीक है। लर्नर्स कैन देमसेल्व्स रिकॉर्ड देयर ओन वॉइस एंड लिसन, वो क्या करता है, खुद रिकॉर्ड करता है और सुनता भी है, ठीक है। तो ये इस तरह का टेलम हमें क्या करता है, बच्चों में और टीचर में भी क्या करता है, नॉलेज को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और साथ ही अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बढ़ाता है। ये वही बात कर रही है, आपके ना डिजिटल में ही आ जाएगा आपका जो टीएलएम है ना, मैंने आपको एक टाइप बताया था, एक ट्रेडिशनल टीचिंग मटेरियल बताया था, ठीक है। और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक प्रकार का क्या है आपका, डिजिटल टीचिंग मटेरियल है। तो आपका ये जो कंप्यूटर वगैरह है ना, ये सब क्या आएगा आपका, डिजिटल में आएगा। तो हमारा ये जो कंप्यूटर वाला जो एरिया है, ठीक है, जो हमारा कह सकते हैं कंप्यूटर वाला जो मटेरियल, वो क्या है अपना, न्यू इनोवेशन है, ठीक है, किसमें, आपके एजुकेशन में, ठीक है। इन इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियोस, ये वही बात कर रहा है जो आप लोग ऑडियो विजुअल देखे, मैंने आपको ऑडियो पढ़ाया, विजुअल पढ़ाया, ये सब मैंने क्या बताया था आपको, टाइप्स बताए थे किसके, TLM के। तो जो हमारा कंप्यूटर है ना, तो ये इसी चीज को दिखा रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आज कंप्यूटर के कारण ही ऑडियो विजुअल ये सब क्या हो रहे हैं, टेक्निक हम यूज कर पा रहे हैं, उसका उस पर एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा TLM का टाइप था। दूसरा है रियलिया, इसमें क्या होता है, हमारे सामने रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। रियलिया, आप चीजों को जितना ज्यादा रियल रूप में देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपका आएगा, ये टीचिंग मटेरियल का बेस्ट एग्जांपल होता है। इससे जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, हम कल उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक को आप सिर्फ समझने का प्रयास करिए, ठीक है। There are real objects, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, इस पे हम इस TLM में क्या करते हैं, real objects देखते हैं, चाहे वो आपका पेंसिल हो, आपका ये डस्टर हो, आपका घड़ी हो, ठीक है, वॉच हो, या आपका ब्लैक बोर्ड हो, बुक्स हो, और क्या हो, आप जिन्हें यूज भी कर पा रहे हैं रियल में, ये सब क्या आएंगे आपके, रियलिया में आएंगे। तो ये आपके क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, आप इमेज के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। आप बोर्ड देखते होंगे, इवन आप बुक्स भी देख रहे हैं, ठीक है, आपका बुक्स हो गया, टीचर भी आपका क्या है, एक रियल टीचिंग मटेरियल है, ठीक है। तो ये सब हमें क्या करता है, हमारे टीचिंग को बेहतर बनाता है। तो ये था हमारा TLM, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज हमने देखा कि TLM क्या होता है। TLM एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारे एजुकेशन को बेहतर बनाता है, हमारे टीचिंग को अच्छा बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा TLM है। हमने TLM के कुछ प्रकार देखे, जिसमें हमने ट्रेडिशनल टीचिंग मटेरियल देखा, कुछ हमने विजुअल, ऑडियो, ठीक है, हमने कुछ बुक्स देखे, जितने भी हमारे टीचिंग मटेरियल के लिए यूज हो सकते हैं वो सब हमने क्या किया, देखा, जो जो एड्स हो सकते हैं उस सबको हमने समझा। कल क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सबको हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।